इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। ये तो फिर हमारे लीडरों को करना। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। भारत ने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत ने ये बता दिया और साफ कर दिया कि वो वहाँ के लोगों के लिए हर तरह से खड़ा है। हाँ, भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को जरूर झटका लग सकता है, कारण साफ है, पाकिस्तान और तालिबान के बीच है अफगानिस्तान को तालिबान हुकूमत को, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को, इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान। इंडिया अनाउंस्ड ₹200 करोड़ $25 मिलियन डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट। तालिबान के स्पोक्स पर्सन इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो है वो उससे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इससे बढ़े। वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। मुकाबले में आ नहीं रहे हम और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं। मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। अब मुल्क की कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो इंडिया का अफगानिस्तान से हो या ईरान से हो, जहाँ उनका मुफाद हो वो अपने ताल्लुकात। अभी आज ही नेबर कंट्री इंडिया में यूनियन ईयर 2024 का बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 90,000 करोड़ साइड पे रखे गए हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात ये कि जो भी इंपोर्टेड मेडिसिन वहां पे आती हैं उनके टैक्स में बहुत ज़्यादा कमी की। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने वित्त जो 2024 का बजट है वो जो है पेश कर दिया है, जो कि 48 लाख करोड़ रुपए का हिसाब इसमें बना है, और जिसमें कि बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब जो देश के लिए क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ ये चीज़ तो है ही, लेकिन साथ ही जो हमारे पड़ोसी देश हैं तालिबान श्रीलंका वगैरह इन सबको भी इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है, और वो लोन के रूप में नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही जैसे एक ऐड के रूप में दान के रूप में हमने इन्हें दे दिया है। तालिबान को भी 200 करोड़ रुपए दिए हैं भारत ने, और इसी 200 करोड़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाया हुआ है, क्योंकि उसे कहीं से भी लोन या कर्जा नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ वो अब कह रहा है कि तालिबान को, जो कि हमारा ही मुस्लिम ही कंट्री है, और भारत अगर मुस्लिमों से चिढ़ता है तो फिर तालिबान को ये मतलब 200 करोड़ रुपए भारत ने क्यों दिए? अब इनको कैसे बताएं कि हम मुस्लिमों से नहीं चिढ़ते, यही इन लोगों की ही जो है मानसिकता ख़राब है। अब दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजट आया उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में, खासतौर पर इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। इस टाइम तो आप देख ले कि ओवरऑल जो पूरे मुल्क में किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। ठीक है, ये सामने आपके सामने पैसा लग रहा है, ठीक है, ये साल के बाद इसने खत्म हो जाना। अच्छा, इसकी भी मेंटेनेंस नहीं रहनी, लेकिन आम आदमी को हेल्थ तो प्रोवाइड कर दी जाए। सर आप अंदर जाके देखे ना, लोग हबस में लेटे हुए हैं, उनके जो लवाई किए हैं जो बाहर लेटे हुए ना, इतनी हबस है, ये देखिए आप, मैं तो सही आ रहा हूं। ठीक है, मैंने तो अभी अंदर से विजिट किया, वो कह रहे हैं व्हीलचेयर नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी लेटने के लिए बेड नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, एक बेड पे दो दो मरीज है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आज कल अल्लाह पाक ने मतलब बेटी दी है, चले मुबारक हो, खैर मुबारक, वो उस बेड पे दो मरीज, आप बताइए। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने ऑपरेट करवाया है, ठीक है, ये सारे ऑपरेट में कितने पैसे लगे हैं, कल जो ऑपरेट हुआ और अभी तक कितने पैसे लगे टोटल? असल में अंदर से तो मेडिसिन वगैरह के पैसे तो नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो बख्शीश देते रहे ना हम, ठीक है, कम से कम 10-15 हज़ार दे दिए, 10-15 हज़ार अंदर हॉस्पिटल में दे दिया, चले वो अपनी खुशी से या जैसे भी, जबरदस्ती के दे के जाए, ठीक है। और मेडिसिन पे कितने पैसे लगे? मेडिसिन के ऊपर तो अभी इन्होंने मेरे ख्याल जो दूध वगैरह लिख के दिया है, ठीक है, इसके ऊपर 3 से 4 हज़ार रुपए लगा है, ठीक है, बाकी ब्लड वगैरह दिया भी इन्होंने लिख के देनी है, वो तो फिर पता चलना है। अब ये बच्ची जो पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मुझे बताएं, हाँ यही कहने लगा, 4 हज़ार उसने आने का टैक्स दे दिया दुनिया में, उसके बाद अब जब वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर हजारों रुपए टैक्स है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट। सर मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट को छोड़े आप, ये आवाम खड़ी है ना, बिल्कुल ये आज खड़ी हो जाए बाहर, ठीक है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप बांग्लादेश का देखें, हाँ बांग्लादेश में जो इसमें, और सर जी आप वैसे भी मर रहे हैं, ठीक है, महंगाई में मर रहे हैं, मेरे घर के अंदर एसी नहीं चलता, 28,000 बिल आया, 28,000 रुपया बिल आया बगैर एसी के, बगैर एसी, आप बताए मुझे, आप ठीक है, चार पंखे हैं चार लाइटें हैं, आप जॉब क्या करते हैं? मेरा अपना काम है, तो मेरी चीखें नहीं कर रही हैं, और जो आपके पास आ रहे होंगे, या मैं उनको देख के मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जुल्म तो नहीं कर रहा आपके साथ, है, ये सिचुएशन है। और फिर बड़ी बात ये देखें, ये भाई से बात करके खुशी इसलिए हुई है, कम से कम इन्हें अवेयरनेस है, इन्होंने बोला है
बहुत से लोग बोलते नहीं कि यार ठीक है, मतलब हमें बोलने का क्या फायदा, आपको लगता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है सर? है, तभी तो आपको पकड़ते रात को आके, तभी तो आपके घरों में घुसते हैं वो, इसको पकड़ लो, इसको सर्च करो, ये कहाँ बोल रहा है। आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में इस टाइम देखें, उनके सिर्फ ये था कि भाई आपने जो 20% या 30% बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था मुलाजमीन के हवाले से, उसको कम करें या बढ़ाएं, इसके ऊपर लोग सड़कों पे आ गए। नेबर कंट्री इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। आप अंदर जाके देखे, मरियम नवाज ने अपनी फ्लैक्स लगाई हुई है, अच्छी बात है ना। जब मैं ये पर्ची लेके खड़ा हुआ ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे लगाऊं इसके ऊपर, फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्री अदवियात, ठीक है, आपके पास ये दो टेबलेट ही नहीं है तो फ्री नहीं। अभी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग समझेंगे कि भाई शायद अपने पास से कह रहे हैं, या खुद में भी चले हैं भाई जान, मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। मेडिसिन मिल रही है? नहीं भाई, अभी लेके आ रहे, कोई चीज नहीं मिल रही अंदर। हां मेडिसिन मिल रही है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी है, ठीक है। वो आपको भेड़ बकरी समझती है और आप बने हुए हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि गलती हमारी, हमारी मतलब पब्लिक की भी गलती है कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है, पूरा मन प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। सर कई लोग कहते हैं यार क्या करें, बच्चों को बुखार आ रहे हैं। मैंने कहा 2 महीने कोरोना रहा, घर में बैठे रहे आप, ठीक हो गया। आप एक दिन के लिए निकले तो सही, आपको पता चले आपकी पावर क्या है। अच्छा यार, वैसे हर चीज में हम मुकाबला करते हैं इंडिया का, कि मतलब इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, वो लोग अब मेडिसिन में कितना रिलीफ दे रहे हैं, उनकी अपनी मेडिसिन कंपनीज हैं, हमारे इधर तो मेडिसिन मेड इन पाकिस्तान पता नहीं, मुकाबला इस सूरत में क्यों नहीं करते सर? आप हर चीज छोड़े, उनकी तालीम देख लिया, एजुकेशन कहाँ पे है? ठीक है, इधर एजुकेशन नहीं है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, इस भाई को नहीं पता होगा कि मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरी बुनियाद क्या है, ठीक है। वो आप तो भेड़ बकरी है, बस ठीक है, बोली जाए, कुछ भी नहीं होना। और गवर्नमेंट भी ये चीज समझती है कि यार आवाम बर्दाश्त कर रही है तो हम करते जाएं, जितना भी अपना रेट बढ़ा दें या कुछ भी, समझती है वो तो हैरान होती होगी कैसे लोग हैं, हकीकत बात है, ठीक है। मेरा जी क्या, इसी वजह से तो हमने मार खाई हुई है, ये चीज है। मैं समझता हूँ ऐसी पब्लिक, ऐसे नौजवान पाकिस्तान में होने चाहिए, नो डाउट। ये मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने गुफ्तगू किया, अफोर्ड भी कर सकते हैं और खुशी मतलब इजी है, लेकिन आम पब्लिक जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो खामोश है, क्या कहना चाहिए? यही तो बात है ना सर, हम एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं है कि मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया ना भाईजान, तो मैं चुप करके अपने काम से काम रखूंगा। ये पता नहीं है कि यार जो गरीब बंदा है उसकी क्या गुजर रही होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी, जो ताजा 500 का मा के लाता है शाम को, ठीक है, ये तो सिर्फ रोटी पे लग जाता है बंदे की, और वो भी एक टाइम की, सुबह की, तो फिर वो सुबह उठेगा तो सोचेगा ना सर। और जैसे मेडिसिन हो गई, हेल्थ हो गई, इसके ऊपर हमारा बजट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या वजह है, गवर्नमेंट इस पे पैसे क्यों नहीं लगा रही? मैं अभी इनसे भी बात कर रहा था, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नेबर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया है, बजट लेके आए हैं 90,000 करोड़ उन्होंने हेल्थ पे सिर्फ लगा दिया, सिर्फ हेल्थ के ऊपर। ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए, वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ, मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही, ठीक है। हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ, ठीक है। आप थाने चले जाएं, अगर आप मेरे खिलाफ केस ले गए हैं, ठीक है, अब उनको ये पता लो जब दिहाड़ी आ गई है, ठीक हो गया, 2,000 यहाँ से 2,000 यहाँ से, जो केस लेके गया पहले तो वो पैसे देगा। इस मुल्क में अगर आपने जीना है ना, अच्छा, आप सिर्फ पैसा चलाएं, सब आपके भाई, पैसा चला तो ले, पैसा लाए कहाँ से भाई, पैसा नहीं चलता यहाँ पे, खुशामद चलती है, ठीक है, मेरी बात समझ। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा जिसने इस मुल्क में जीना है ना, हाँ, वो पैसा चलाए, वही चलाएगा, इसके पास है होगा, और फिर मेरे जैसे पब्लिक, आपकी जैसी पब्लिक, हम तो लाइन में खड़े होके ना वो राशन लेने वाले हैं, ठीक है, मुलाकात कोई नहीं हमारी। मुझे लास्ट में बता दें, कोई चेंज आ सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है, ये जितने भी लोग खड़े हैं, इन लोगों की के लिए बेहतरी आ सकती है? एक ही हल है, क्या एक दिन पूरा मुल्क बंद हो जाए, सड़क पे आ जाए, एक दिन उन्हें पता कहेंगे, एक दिन बाद फिर, अच्छा सर वो खुद कहेंगे, इतना बड़ा चेंज आना छोटी बात नहीं है, 75 साल की हिस्ट्री में एकदम पूरी आवाम का बाहर आ जाना एक मुश्किल हो जाना। वैसे पहले प्रोटेस्ट होते तो रहे हैं, कभी इमरान खान प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उनका कोई फायदा नहीं। आप एक दिन की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने पता नहीं 4 माह के करीब जो उनसे अरसा है वो इस्लामाबाद में लाल ओडी चौक पे सारा प्रोटेस्ट, वो तो और चीज थी ना, जो अब प्रोटेस्ट हुआ है पब्लिक के लिए नहीं, बाहर आ रहा है। अब देखे ना आप, खान कहाँ पे है,
जेल में है, क्या वजह है कि वो लोगों को जगाता है? ठीक हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे चेंज आ सकता है या ऐसे ही चलता रहेगा? हम नेपर से क्यों नहीं सीख लेते, हम अपना इंडिया से ही सीख लें, मतलब सर कुछ भी नहीं हो सकता हमारे पाकिस्तान का। नहीं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए सर, ऐसी सर उम्मीद कब तक उम्मीद रखेंगे? नहीं, जो सर जो कर रहा था उसको तो पकड़ के अंदर डाल दिया उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक है, तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं या मरवा देते हैं या फिर ये टैग लगा देते हैं कि लेट्स बोल, ये भाई बोलेंगे, ये बोलेंगे, मैं बोलूंगा, टैग लगा देंगे कि यार ये देखो ये किसी के कहने पे बोल रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। बीत रही है, बिल ले, अभी मेरी पर्ची दिखाई है, झूठी पर्ची नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उधर से इधर आया हूँ, ठीक है, इतना मेरा टाइम लगा, इतने में मरीज को कुछ हो जाए। सर एक मिनट मुझे ये बताएं, ये सरकारी अस्पताल है? जी बिल्कुल, ये पर्ची देख रहे हैं आप, ठीक है, ये छोटा सा इंजेक्शन है, ये पहला नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं तकरीबन 33-34 लेके जा चुका हूँ, एक एक इंजेक्शन के लिए मैं वहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी कीमत है इसकी?